जब भी काम की जरूरत होती है तभी ये नालायक बाटूल उस गजोधर के साथ घूमने निकल जाता है। कहाँ गए ये दोनों बताओ तो। ऐ शैतान बच्चों, और बिच्छू तुम लोग जानते हो वो लोग कहाँ है? अरे मुझे अपने घर की सफाई करवानी है तो। पता नहीं बुआ जी, लेकिन हम जरूर ढूंढ के लाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चल बिच्छू जाके उन्हें ढूंढते हैं। ए बाटुल भैया, मैं सुन पा रहा हूँ कि आपकी बुआ आपको ढूंढ रही है और ना मिलने से बहुत गुस्सा है, और आप यहाँ लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ रहे हैं और वो दोनों बदमाश हमें ढूंढने निकल पड़े हैं। क्या कह रहा है तू गजेंद्र? तब तो अभी भागना होगा, नहीं तो पूरे दिन बुआ घर की साफ सफाई कराने में लगा देगी। चल 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 भागते। बाटुल भैया, मुझे सुनाई दे रहा है वो दोनों बदमाश करीब एक मील दूर हमारे ही पीछे पीछे आ रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कैसे हम लोगों को पकड़ के आपकी बुआ के पास लेके जाएंगे। अच्छा, वे लोग इतने चालाक हैं? चल गजेंद्र, हम लोग जाकर भेष बदलते हैं तो फिर वो लोग हमें पहचान ही नहीं पाएंगे। ए, हम लोग इस दुकान में घुसकर अपना भेष बदल लेते हैं। मैं बनता हूँ जोकर और तू बन जा बंदर। हम लोग रास्ते में खेल दिखाएंगे, क्या कहता है? हाँ, बहुत मजा आएगा। ठीक है चलिए। भाइयों बहनों, सभी इधर आइए, बंदर का नाच देखने के लिए सभी यहाँ पधारे, एक रुपया भी नहीं लगेगा। ओए झुमरू, चल दिखा तो तू कैसे शर्माता है इन सभी को देख के। चल उठ। ठीक है अब और मत शर्माओ। चल अब जरा दिखा, तेरी पत्नी अगर घर ना आए तो तू कैसे परेशान होगा। इनके समझने से पहले हमें ऐसे भागना होगा। चल गजेंद्र भागते हैं। नहीं रे गजेंद्र, अब हमें दूसरा कोई और रूप लेना होगा। चल अब जाके मैं सांड का भेष धरता हूँ। हाँ। और तू किसी एक बछड़े का भेष धर। चलिए जल्दी चलिए। अरे ललन, ये देख बंदर ढुक रहा है दुकान में, लाठी लेके आ तो रे जल्दी। नहीं नहीं घबराइए मत। क्या मतलब घबराऊ नहीं? बंदर घुस रहा है मेरी दुकान में और आप कहते हैं कि मैं घबराऊ नहीं? नहीं अंकल, ये बंदर नहीं है, ये गजेंद्र मेरा बहुत ही खास असिस्टेंट। दरअसल मुझे एक सांड की ड्रेस चाहिए और इसके लिए एक बछड़े की। ओ, तो ऐसा बोलिए। अच्छा अच्छा, ए ललन पलन, एक बछड़े की और एक सांड की ड्रेस लेके आ तो। बहुत अच्छे लग रहे हैं तो गजेंद्र, तू बिल्कुल एक प्यारा सा बछड़ा लग रहा है। और आप बाटुल भैया,
बिल्कुल गोल मटोल सांड लग रहे हैं। आपके कपड़े कैसे चमक रहे हैं। चल चल, शहर से थोड़ी दूर किसी गांव में चलते हैं, नहीं तो शहर के लोग हमें डंडे लेकर दौड़ाएंगे। लेकिन बाटुल भैया, आप जिस तरफ दौड़ रहे हैं उस तरफ 2 मील दूर मैं एक सांड की आवाज सुन पा रहा हूँ। सांड आपको देखकर सिंग मार सकता है। और मुझे क्या मारेगा, उसके खुद के ही सिंग टूट जाएंगे। चल चल दौड़। बाटुल भैया होशियार, एक सांड आप ही की तरफ आ रहा है, भागो। भागेंगे क्यों, तू देखते जा कैसे जंगल में दंगल करते हैं। अरे बच्चों, देखा तूने, एक सांड ने दूसरे सांड को कैसी लात मारी, एक ही लात में गर्दन बिल्कुल टेढ़ी। नहीं, उस सांड को एक बार अच्छी तरह से देखना पड़ेगा तो। अरे इस सांड का बर्ताव एक बार अच्छी तरह से देखना पड़ेगा तो। हाँ, छानबीन करनी पड़ेगी। अरे 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 अरे, ये तो हमारी तरफ भागे आ रहा है। अरे बाप रे, अरे तू भाग, अरे बच्चों भाग रे, अरे बाप रे, भाग रे, अरे भागो, अरे बाप रे, जल्दी भाग रे, तू भाग रे, अरे ने आज अगर सबक ना सिखाया तो परेशान करेंगे। लगता है इस बार मैं नहीं बच पाऊंगा। ओए माँ, मर गया रे। अरे कौन है, बचाओ। ये बच्चू मुझे उतार, ये बच्चू मुझे उतार यहाँ से। बच्चू बच्चू चींटी काट रही है बच्चू। लगता है मैंने थोड़ा जोर से ही मार दिया। जो भी हो होगा, नहीं तो शर्मिंदा होना पड़ेगा। अरे एक पागल सांड 2 लड़कों को सिंह मारकर भाग रहा है। खैर, तुझे मैं अभी मजा चखाता हूँ, गोली मारकर तुझे खत्म करूंगा। अरे बाप रे बाटुल भैया, आपके ऊपर तो गोली चलाने वाला है। चिंता की कोई बात नहीं, देखना क्या होता है। All right.
ये क्या हुआ? गोली चलाई सांड पे और मेरी टोपी उड़ गई। अजीब बात है। ऐ सांड, जंगल में क्यों भाग रहा है? ठहर, तेरी पूंछ में अभी काटता। रुक, भागता किधर है? जा, घुस गया। अब मैं क्या करूं? ये सांड तो महिषासुर बन गया। बाटुल भैया, जल्दी भागते हैं, चलिए। अरे गांव वाले आते ही होंगे, आपको इस हालत में देखेंगे तो हमारी खैर नहीं। उधर सुनाई दे रहा है, बुआ आपको गाली दे रही है। इससे अच्छा चलिए बुआ के पास, वही हमारे लिए ठीक होगा। बच्चू, बच्चू मुझे उतार रहे हैं। बच्चू चींटी काट रही है बच्चू, और पेट में घुस रही है रे। अरे सांड ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया बच्चू, देख डाल भी हिल रही है बच्चू। मेरी मति मारी गई थी जो बाटुल को छेड़ने गया था। आगे खाई पीछे कुआं। प्राचीन समय की बात है, शंकर शर्मा नामक एक भद्र पुरुष गांव में रहते थे। कुछ दिन पहले ही वे शांति निकेतन में एक घर खरीदे थे। घर खरीदने के कुछ दिन ही बाद एक विचित्र प्रकार की घटना घटी। 2100 किसी सदवी में भूत, ये तो चंबू की बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो रात के समय जंगला पर पत्थर कौन मारता? बरामदे में हड्डी और खोपड़ी पड़ी रहती है। डर के मारे पत्नी और बच्चे उस घर में नहीं जाना चाहते, इसलिए सोचता हूँ उस घर को मैं बेच दूँ। अगर आप आज्ञा दे तो। बोलो। बहुत दिनों से इच्छा था कि मैं अपने आँखों से भूत देखूँ। अगर मैं आपके उस घर में एक दो रात रह जाऊँ तो? ठीक है, कब जाना चाहते हो बताओ? अगला शनिवार को, इसके साथ कल ही अमावस्या है। चलिए आप और हम दोनों चलते हैं। ठीक है, तो कल ही चलो। दूसरे ही दिन शंकर शर्मा उस आदमी को लेकर अपने उस नए घर पहुंचे। वाह, आपका घर जितना बढ़िया है उसका चारों ओर का परिवेश और सुंदर है। अरे नमस्कार शर्मा जी, आइए आइए आइए। कब आए? यही तो आज दोपहर में। साथ में वह कौन है? अरे मैं इनका दूर का संपर्क का भतीजा हूँ, शांति निकेतन देखने आया हूँ। वाह बहुत अच्छा, रहोगे ना दो चार दिन? जी हाँ, दो चार दिन रहूँगा। तो ठीक है, मैं भी एक दिन आकर यहाँ पर अड्डा जमाऊंगा, अभी मैं चलता हूँ। वो आदमी कौन था? वही उस तीन तल्ला घर का मालिक है। कम से कम 300-400 एकड़ जमीन का मालिक है वह। घर बेचने वाले थे क्या, कोई खरीदने वाला मिला है? भूतहा घर बोलकर चारों ओर बात फैल गई है, फिर इसे कौन खरीदेगा बताओ? वैसे दुबे जी ने तो खरीदने की बात कही थी हमसे, लेकिन इस घर को बेचने की इच्छा मेरी अभी नहीं है। घटना उस समय के लिए तो टल गई, लेकिन उसी दिन रात में अरे बाप रे बाप, आपके घर खरीदने के कुछ पहले ही सांप डसने के कारण रतन नाम के एक लड़के की मृत्यु हो गई थी। वास्तव में वह एक पागल था, उसका श्राद्ध अच्छी तरह उसके घर वाले नहीं किए। लगता है मर करके भी
वह पगलामी करता है। जो भी हो थोड़ी सावधानी से रहिएगा, मैं चलता हूँ। अंत में यहाँ पागल भूत। भूत पागल हो चाहे जैसे भी हो, किसी के घर में तो जूता चप्पल पहनते हुए घूमते हुए तो नहीं देखा है हमने। अने? ये देखिए, आज सुबह ही मैं आपके घर के पीछे ये पाया हूँ। सुनिए, आज रात में ही हम ही लोगों को पहरा देना होगा। वह देखिए वो कौन आ रहा है। सही बात है, तो इस बार मजा देखिए। क्या हो रहा है? कौन कौन हो तुम? मैं जग्गू पगला हूँ। तो बेटा राखाल, तुम शर्मा जी का घर दखल करने के लिए मेरा नाम भूत रख कर प्रचार कर रहे हो, तो मैं आगे ही तुम्हारा गर्दन मोड़ूंगा। तो ठीक है भाई, आज तुम्हारे ही कारण इस घर का भूतहाना मिट गया। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। क्या बात? राखाल भट्टाचार्य के पास तो बहुत पैसे हैं। अगर वे चाहते तो अपने जमीन पर ही खूब बढ़िया घर बनवा लेते, तो हमारे इस सामान्य घर को वे दखल करना क्यों चाहते थे? कारण भूत का डर नहीं दिखाने से अपना घर तो नहीं बेचते। आप शांति निकेतन में आकर बात को नहीं समझ पाए। इस संसार में जो भी आता है, जिसके पास जितना रहता है वो और चाहता है। राजा भी गरीब जनता का पैसा चुरा कर बहुत महान बनता है। ये है गोपाल भाड़। महाराज, कल रात मेरे घर डकैती हो गई। डकैत सब कुछ लूट कर लेकर गए महाराज। आज गोपाल के घर डकैती करेंगे। सुना हूँ वह बहुत चालाक है, मुझे किसी मुसीबत में तो नहीं फंसाएगा। अधिक उछल कूद करेगा तो मेरे पास तो यह है, एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मुझे तो थोड़ी डर लग रही है। अरे इतना मत सोचो, तो देखा जाए, अभी रात तो होने दो। अरे जाओ जाओ, जो सोच रहे हो वह कभी नहीं होगा। दरवाजा तोड़ कर ढुकने के आगे ही मैं छत खोल कर आऊंगा, उसके बाद सब माल लेकर चंपत हो जाऊंगा। चारों तरफ तो शांत है, अंधकार। गोपाल का घर भी तो अंधकार है, लगता है सो रहा है। यही तो अवसर है, सारा गांव सोया हुआ है, यही तो मौका। चलिए सरदारी। ए जी सुनिए सुनिए, ए जी। क्या हुआ? घर में चोर आया है। चोर? अरे गोपाल दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं अभी तोड़ दूंगा। ए जी क्या होगा, लग रहा है दरवाजे पे डाकू आए हैं। ए जी क्या होगा, ऊपर चोर बाहर डाकू। ओह चुप रहो, जो बोल रहा हूँ वह सुनो। अरे यह तो गजब हो गया, डकैत भी आ गए हैं। अभी मैं क्या करूं? माँ काली तुम्हारा ही सहारा है, डकैतों के हाथ से रक्षा करो माँ। लक्ष्मी जो बोला हो याद रखना। जय गोपाल, दरवाजा खोलो। गोपाल दरवाजा खोलो जल्दी, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा। नो, कोई है, बचाओ, मेरे घर में डाकू आए हैं। चुप 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 एकदम, घर का मालिक कहाँ है? तिजोरी की चाबी कहाँ? जल्दी बोलो, नहीं तो सिर धड़ से अलग कर देंगे। ओह,
घर के ऊपर छिपे हुए हैं और उनके पास ही संदूक की चाबी है। अरे सत्यानाश हुआ, यह कौन सी मुसीबत है? अरे बाप रे, मैं कैसे फंस गया? अरे डकैत भाई, मैं इस घर का कोई नहीं हूँ। जाओ तो उसे पकड़ कर ले आओ अभी। ठीक है सरदार। बोलो तिजोरी की चाबी कहाँ है? अरे डकैत भाई, विश्वास करो, घर की चाबी नहीं जानता। सीधे से नहीं बोलोगे ना? अरे डकैत भाई, मुझे मत मारो, मैं कुछ नहीं जानता। नहीं जानते हो ना, अब जानोगे। अरे बाप रे बाप। सारा गांव जग गया। अब नहीं, चलो भागो। लक्ष्मी, तुम ठीक हो ना? हाँ जी, इस चोर की कृपा से ठीक हूँ। मारो। नहीं, इसे क्यों मार रहे हो? मत मारो। क्यों? क्योंकि मालिक, अरे मालिक, मैं पेट के लिए चोरी करता हूँ। अच्छा काम पाते ही मैं यह काम छोड़ दूंगा। माँ काली की कसम खाता हूँ। बहुत अच्छा, तो कल से मेरे खेत में काम करने चले आना। भोजन कपड़े छोड़कर महीने में 2 रुपए दूंगा। क्यों, करेगा ना? हाँ मालिक, जरूर करूँगा। सचमुच गोपाल, तुम्हारे जैसे उदार हृदय वाला व्यक्ति मैं कभी नहीं देखा। सब भगवान की कृपा है। प्राचीन काल की बात है, पद्मपुर गांव में मुकुंद नाम का एक नाई रहता था। मुकुंद प्रतिदिन बाजार के समय क्रेता विक्रेता का केश और दाढ़ी बनाया करता था और उससे जो कुछ भी प्राप्त होता था उसी से उसके परिवार का पूरा भरण पोषण चल जाया करता था। रोज रोज का ये बेस्वाद खाना अच्छा नहीं लग रहा है खाने में। कान खोल के सुन लो, कल जाके बाजार से मछली नहीं लाए तो फिर देख लेना, तुम्हारी चमड़ी उधेर के ही बना दूंगी। आज मछली लेकर जाना ही होगा, नहीं तो मेरी पत्नी इतनी खतरनाक है, कहीं सचमुच मेरी खाल न उधेड़ ले। मछली का भाव क्या है जी? 3 रुपए किलो। कुछ सस्ता में नहीं होगा क्या? एकदम ताजी मछली है। ताजा है तो मक्खी क्यों बैठी है? देखिए बाबूजी, इतना बहस मत कीजिए, वहाँ पे झींगा मछली है सड़ी हुई। ले जाइए, पैसा नहीं देना होगा। इतना बदबू दे रहा बेवकूफ इंसान, बाजार में ताजी मछली नहीं मिली थी क्या? हाँ पाया था तो लाया क्यों नहीं? तुम तो बोली नहीं ताजा लाऊंगा कि सड़ा। ओ, मैं बोली थी ना मछली नहीं मिलेगा खाने को तो तेरी चमड़ी उधेर के बनाऊंगी। रुक, तेरी चमड़ी उधेर रही हूँ। चमड़ी तो लोग पांसुल से छुड़ाते हैं। तेरी चमड़ी उधेरने के लिए बोली थी, किससे उधारूंगी ये तो नहीं कही थी? इसीलिए मैं तेरी चमड़ी झाड़ू मार के उधेड़ूंगी। अरे बाप रे, मुझे से कहीं के मुझसे बच के कहाँ जाएगा तू? रुक रुक रुक। मैं किसी तरह से आज बच निकला। चलूं उस बरगद के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वाह, बहुत दिन बाद एक खट्टा खट्टा आदमी दिखाई दिया है। आज बहुत दिन बाद एक आदमी का मांस खाने का मिलेगा। आज मैं तुमको खाऊंगा।
तुम कौन हो जी? मैं भूत हूँ, तुम्हारा ही गर्दन मरोड़ का खून पीऊंगा। भूत नहीं, हिम्मत हारने से नहीं चलेगा। तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है, जानते हो तुम्हारे जैसे मैं पहले एक भूत पकड़ा है। रुको दिखाता हूँ, यह देखो, दिखाई दिया, अब तुम्हारी बारी है। ना ना भाई, अब मैं खून नहीं पीऊंगा, अब मैं जा रहा हूँ। वादा करता हूँ कि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, तुम जो चाहोगे वही तुम्हें दूंगा। ठीक है, तब तुम मुझे एक घड़े मोहर दो। ठीक है, मैं अभी दे रहा हूँ अभी। ये लो, अब मुझे छोड़ दो मेरे भाई। ठीक है, अब जाओ भगो यहाँ से। अरे बाप रे बाप, आहा हा हा हा। क्या बोल रहे हो? एक गगरा सोना। हाँ, एक गड़ा मोहर, यह देखो। ये भगवान, कितना सारा सोना है। भूत के दिए हुए एक गड़ा मोहर को पाकर मुकुंद आज उस इलाके का सबसे बड़ा आदमी बन गया है।